हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कोसे सॉफ्टिमो फोमिंग क्लींजर के बारे में। दोस्तों, ये एक जापानीज प्रोडक्ट है और मैंने डोकोडेमो से परचेस किया। ये एक सेकंड क्लींजर है दोस्तों, और फोम क्लींजर या फेस वॉश भी हम बोल सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जो क्लींजिंग ऑयल है, स्पीडी क्लींजिंग ऑयल कोसे का, उसका भी मैंने रिव्यू किया है। वो आपको चेक करना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हो। तो ये प्रोडक्ट मैंने डोकोडेमो से परचेस किया है और इसका प्राइस जो है अप्रोक्सीमेटली 300 रुपीज है। इसका इस तरीके का बॉटल भी आता है जिसका प्राइस 400 पड़ता है और शिपिंग के साथ आपको 600-700 पड़ सकता है दोस्तों। और ये इसका भी शिपिंग के साथ 500 रुपये तक हो सकता है। तो दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है 170 ml प्रोडक्ट क्वांटिटी में आया है और मैंने रिफिल पैक मंगाया था क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास जो हडा लबो का ये बॉटल है तो बस मैं इसे रीयूज करना चाहती थी, तो इसीलिए मैंने बॉटल परचेस नहीं किया। आप चाहो तो बॉटल भी परचेस कर सकते हो। तो इसे ऑयल क्लींजिंग करने के बाद एज अ सेकेंड क्लींजर आप यूज कर सकते हो या फिर आप इसे इंडिविजुअली भी यूज कर सकते हो, बस अगर आप एक ही फेस वॉश यूज करते रहोगे तो। तो दोस्तों, पैकेजिंग आप देख सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा नहीं है। सिंपल सा प्लास्टिक का बैग है, इसे एक नोजल है, स्क्रू कैप है दोस्तों। इसे ये रिफिल पैक है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों जापानीज प्रोडक्ट, क्योंकि उनका आपको रिफिल मिल जाता है, आपको बार बार बॉटल्स ऐसे परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एकदम सिंपल सा पैकेजिंग है दोस्तों इसका। अगर आप फर्स्ट टाइम परचेस कर रहे हो तो आप बॉटल परचेस कीजिए दोस्तों, क्योंकि इसमें जो रिफिल रहता है उसमें लिक्विड आता है दोस्तों, और फिर लिक्विड ऐसे बॉटल में डालने के बाद इसमें कुछ ऐसा सेटिंग रहता है कि आपको ऐसा फोम आ जाता है दोस्तों। ये देखिए, इस तरीके का ये प्रोडक्ट है दोस्तों। आई होप आप इसे देख पा रहे हो अच्छे से दोस्तों, एकदम छोटे छोटे बबल्स है दोस्तों, और अच्छे से आपकी स्किन को ये क्लींस करेंगे। तो आप दोस्तों, अगर फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो बॉटल ही परचेस कीजिए, बाद में आप रिफिल मेरे जैसे परचेस कर सकते हैं। तो बस ये फोम आपको ऐसे लगाना है और अच्छे से क्लींस करना है आपकी स्किन को दोस्तों। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि 1 मिनट के लिए आपका फेस जो है वो अच्छे से क्लींस कीजिए, एकदम से लगा के विद इन अ सेकेंड मत निकालिए। अच्छे से ये फोम आपके स्किन पे मसाज कीजिए दोस्तों 1 मिनट के लिए। तो ये यूज करने के लिए इजी है और काफी स्मूथ है, बिल्कुल भी हार्श नहीं लगता और अच्छे से मसाज होता है स्किन पे दोस्तों। तो इसका इंग्रेडिएंट लिस्ट देख लेते हैं। मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे रही हूँ, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। बहुत ज़्यादा नेस्टी इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ नहीं किए हैं, काफ़ी अच्छा है इंग्रेडिएंट लिस्ट। हार्डली 3-4 इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं, उनको येलो कलर का टैग मिला है, बाकी सब ग्रीन कलर का टैग ही मिला है दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा इंग्रेडिएंट लिस्ट, बहुत ज़्यादा ऐसा खराब इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ नहीं किए गए हैं। लेकिन इसमें प्रिजर्वेटिव्स है, जिनको प्रिजर्वेटिव्स नहीं पसंद है वो इसे दूर रह सकते हैं। एज अ प्रिजर्वेटिव फिनोक्सो इन्होंने यूज़ किया है और इसमें फ्रेग्रेंस भी है दोस्तों, लेकिन फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा ऐसी ओवरपावरिंग नहीं है। तो जिनको फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस पसंद नहीं है वो इस प्रोडक्ट को ट्राई कर सकता है। फ्रेग्रेंस जो है वो इसकी फ्लोरल टाइप की, जैसा टैल्कम पाउडर रहता है, पॉन्ड्स पाउडर जैसा रहता है, उस टाइप की इसकी फ्रेग्रेंस है। लेकिन ऑल ओवर बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रांग नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग नहीं है, तो मुझे कुछ इशू नहीं है। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये प्रोडक्ट। इसका इंग्रेडिएंट लिस्ट भी अच्छा है, इतना ऐसा बुरा नहीं है, अच्छा इंग्रेडिएंट लिस्ट है। बस ये प्रोडक्ट जब भी मैं यूज़ करती हूँ, मुझे मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई लगती है, थोड़ी सी स्ट्रेची लगने लगती है दोस्तों। तो मैंने इसे मिड नवंबर में यूज़ करना स्टार्ट किया और तभी विंटर्स ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गए थे ये, तो ये मेरी स्किन को थोड़ा सा ड्राई बना रहा था, स्ट्रिप लग रहा था मुझे और स्किन थोड़ी सी स्ट्रेची लग रही थी। तो मैंने थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया, मैंने बीच बीच में मेरा कोजरेक्स का क्लींजर यूज़ करना स्टार्ट किया। तो जब भी मैं कोजरेक्स वाला क्लींजर यूज़ करती थी, मेरी स्किन मुझे स्ट्रेची नहीं लगती थी, ड्राई नहीं लगती थी। लेकिन जब भी मैं इसे यूज़ करती थी, मेरी स्किन मुझे स्ट्रेची लगती थी, ड्राई लगती थी और स्ट्रिप लगती थी। तो मैं समझ गई कि ये मेरी स्किन को ड्राई बना रहा है, स्ट्रिप कर रहा है। तो दोस्तों, ऑयली स्किन ब्यूटीज जो है इसे समर्स में ट्राई कर सकती है, समर्स में ये अच्छे से वर्क करेगा ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन जो ड्राई स्किन ब्यूटीज है, प्लीज़ आप इसे अवॉइड कीजिए, मुझे नहीं लगता ये अच्छे से वर्क करेगा आपके स्किन पे, ये आपके स्किन को ड्राई कर सकता है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट ड्राइनेस, कभी भी मुझे ऐसा इसका बुरा इफेक्ट दिखाई नहीं दिया, अच्छे से ये वर्क कर रहा है, बिल्कुल भी ब्रेकआउट्स या एक्ने इरिटेशन ऐसा इशू मुझे नहीं हुआ और बहुत अच्छे से फोम होता है। जितने छोटे छोटे बबल्स होते हैं दोस्तों, उतना अच्छे से क्लींजर क्लींस करता है ऐसा बोला जाता है।
सो फ्रेंड्स एक बेसिक क्लिंजर है, इतना खास कुछ मुझे ऐसा इम्प्रेस नहीं कर पाया, मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं, तो मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगी। हाँ आपको ईगरली ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हो, हार्डली 500-600 इसका इंक्लूडिंग शिपिंग प्राइस आता है। लेकिन आपको इस टाइप का ही प्रोडक्ट ट्राई करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी हाडालोबो का गोक्यूजन क्लिंजर, ये वाला बहुत ही ब्यूटीफुल क्लिंजर है दोस्तों ये, और मुझे फ्यूचर में चांस मिला तो ज़रूर मैं परचेस करूँगी और आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगी दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई तो जरूरी से लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और मेरे चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए दोस्तों। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कीजिए दोस्तों, तो आपको छोटी छोटी स्टोरीज देखने मिलेगी स्किन केयर रिलेटेड, और मेरे जो छोटे छोटे शॉपिंग हॉल रहते हैं वो भी आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो वहां पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।